लोक सेवा आयोग ने संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 685 उम्मीदवार सफल हुए हैं। वैशाली के सुधीर कुमार टॉपर बने हैं, जबकि अरवल के अमर कुमार सेकंड टॉपर, मुजफ्फरपुर के आयुष तीसरा स्थान, पूर्वी चंपारण के सदानंद कुमार चौथा स्थान प्राप्त किया है। इस परीक्षा के माध्यम से 689 पदों पर नियुक्ति होनी है। 34 डीएसपी समेत विभिन्न विभागों में 685 अधिकारियों की नियुक्ति के लिए रिजल्ट जारी किया गया। 13 अप्रैल 2022 को मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा में 1838 अभ्यर्थी सफल हुए थे। 18 मई से 22 जून तक और 5 जुलाई से 18 जुलाई तक सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में कुल 1768 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें 70 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 689 रिक्तियों पर मेधा सूची तैयार की गई और 3 अगस्त को रिजल्ट की घोषणा कर दी गई। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अब 8 अगस्त को मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगेगा। दूसरे सोमवार को होने वाले विषय को लेकर जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगाने की घोषणा की गई है। टीकाकरण प्राप्त लोग ही जनता दरबार में भाग ले सकेंगे। इस संबंध में सभी जिलाधिकारी और अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं। जनता दरबार को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। दूसरे सोमवार को स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विभाग की शिकायत लिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारी और सभी सिविल सर्जन को किशोरियों को टीकाकरण कराने का निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने 12 से 14 साल और 15 से 17 साल के किशोर और किशोरियों को टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए टास्क फोर्स का गठन करने का निर्देश दिया है। किशोरों को अब शिक्षण संस्थानों के साथ साथ स्कूलों में विशेष कैंप लगाने का भी निर्देश दिया गया है। सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। आंकड़े के अनुसार अभी तक टीकाकरण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है। सिवान में एक चलती बोलेरो द बर्निंग बोलेरो बन गई। यह घटना गुटनी थाना क्षेत्र के जतौर और किलरुआ गांव के पास की है, जहां तेज रफ्तार एक बोलेरो में अचानक से आग लग गई और हालात द बर्निंग बोलेरो जैसे बन गए। हालांकि यह बोलेरो किसकी है और कौन चला रहा था, इसका पता नहीं चल पाया है। बोलेरो में जैसे ही आग लगी, चालक बोलेरो से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लुढ़क गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार बोलेरो धू धू कर जल रही है। घटना के बाद गुटनी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। देवघर के रामपुर चंद्राडी गांव के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक दुमका के पाटनपुर का रहने वाला था। वह पालोचोरी के किसी दुकान में काम करता था। वह पालोचोरी से वापस अपने घर जाने के दौरान विजय गौराय अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। उसका क्षतिग्रस्त बाइक रामपुर चंद्राडी गांव के पास से बरामद की गई। सिवान में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव के पास अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी। घायल शख्स को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से पीएमसीएच रेफर किया गया। बताया जा रहा है घायल व्यक्ति का नाम हरिनाथ पांडे है और सुल्तानपुर मोती छापर गाँव का रहने वाला है। वहीं रघुनाथपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। समस्तीपुर में न्यायालय के सेशन हाजत में एक कैदी चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। कैदी के गिरते ही आनंद फानंद में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब कैदी की हालत में सुधार हुआ तो देर रात उसे फिर मंडल कारा ले जाया गया। बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लगुनिया रघुकंठ गांव के रहने वाला सुनील कुमार को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। बगहा में दहेज और बेटा नहीं होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर दी। यह घटना पटखौली थाना क्षेत्र के कैलाश नगर वार्ड नंबर 4 की है। विवाहिता के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि घटना के बाद ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए। पटकौली थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की लगातार छापेमारी कर रही है। प्रदेश में अवैध खनन मामले में सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से बुधवार को ईडी की टीम ने कई घंटों तक पूछताछ की। वहीं प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद से आज भी पूछताछ कर रही है। वहीं बुधवार को ईडी के अधिकारियों ने उनके परिवार के सदस्यों के अलावा उनकी आय की जानकारी ली, साथ ही उनके आय के विभिन्न स्रोतों के बारे में भी सवाल पूछे गए। ईडी ने पिंटू को अपने और पारिवारिक सदस्यों की गतिविधियों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी लाने का निर्देश दिया था। ईडी ने पिंटू से व्यक्तिगत जानकारी ली। बगहा में गंडक नदी के किनारे बसे पिपरासी प्रखंड के कांटीटोला में बाढ़ आ गई है। लोगों के घर आंगन तक पानी घुस चुका है। वहीं गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद बांधों और तटबंधों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। कांटीटोला में बाढ़ आने के बाद लोग पलायन को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन ने पहले ही आगाह कर दिया था कि निचले इलाके में रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। ऐसे में अधिकांश परिवार अपने मवेशियों को लेकर पलायन कर गए हैं।
सीएम नीतीश ने कोरोना से जंग जीत ली है, अब वे बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। 26 जुलाई को सीएम नीतीश कोरोना संक्रमित पाए गए थे, उन्हें 4 दिनों से बुखार था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कोरोना टेस्ट कराया जो पॉजिटिव आई थी, फिलहाल वे कोरोना से ठीक हो गए हैं। सहरसा जिले के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर नौहट्टा प्रखंड इलाके में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोसी बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद कोसी नदी उफान पर है, जिस कारण नौहट्टा प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर केदली पंचायत के कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है, जबकि दूसरे कई गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। केदली पंचायत के कई गांव में लोगों के घरों के आंगन में बाढ़ का पानी घुस गया है, सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है, जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वहीं लोगों को रहने से लेकर खाने पीने तक के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर घुटने तक बाढ़ का पानी लगा हुआ है, जिस कारण लोग नाव से आवाजाही कर रहे हैं। कोसी नदी की उफनती धारा को देखकर तटबंध के भीतर बसे लोगों को एक बार फिर से उन्हें अपना आशियाना खोने का डर सताने लगा है। नेपाल का पानी अब बिहार में तबाही मचाना शुरू कर चुका है, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3,10,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, जिसको लेकर गंडक नदी के सभी तटबंध पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। वहीं गंडक नदी के साथ ही बगहा के सुदूर दून के इलाके में पहाड़ी नदियों का कहर भी जारी है। बगहा के 2 पंचायतों के 22 गाँव पहाड़ी नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद टापू की तरह गिर गए हैं। नदी को पार कर आने जाने की मजबूरी है, लोग जान जोखिम में डालकर पहाड़ी नदी को पार कर रहे हैं। बाइक को भी कंधे पर उठाकर गांव के कुछ युवा जरूरी कार्य के लिए जाते दिख रहे हैं। बारिश के बाद गंडक नदी के साथ ही कई पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। उधर प्रभावित इलाकों में एसएसबी आ गया है और लोगों से सुरक्षित ठिकाना बनाने की अपील कर रही है। पटना में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं जलस्तर के बढ़ने से सबसे ज़्यादा परेशानी किसान और पशुपालकों को हो रही है। जलस्तर के बढ़ने से गंगा के दियारा के ऊपरी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस रहा है, जिससे सब्जी की फसल नष्ट हो रही है। वहीं आने वाले समय में पटना में भी सब्जी महंगी बिकने की संभावना है। गंगा में अवैध रूप से बालू का खनन भी बड़े जोर शोर से किया जा रहा है, जिसकी भनक प्रशासन को नहीं है। महिला पुलिस की जवान ने कमरे में बंद होकर शहर खा लिया। हालांकि इस दौरान उसने पुलिस अधीक्षक कार्तिक शर्मा को कॉल कर इसकी जानकारी दी। बाद में महिला की कॉल के बाद आनन-फानन में उसे उसके आवास को ढूंढा गया और दरवाजा तोड़कर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले की जानकारी देते हुए शेखपुरा टाउन थाना के थानाध्यक्ष विनोद राम ने बताया कि पति से अनबन की वजह से महिला जवान ने सर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि समय रहते पुलिस ने उसे बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। महिला जवान की पहचान प्रिया कुमारी के तौर पर की गई है और वो पटना जिले की रहने वाली बताई जा रही है। मधेपुरा सदर अस्पताल में अमानवीय घटना घटी है। महिला को प्रसव के बाद बेटा होने के बाद मधेपुरा अस्पताल की 4 नर्स ने महिला के परिजनों से मुंह दिखाई की रकम मांगी। इसी रकम को लेकर नर्सों ने बच्चे का कपड़े से मुंह ढक दिया, जिससे बच्चे की सांस रुक गई और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद तत्काल पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। मधेपुरा सदर अस्पताल की आरोपी 4 नर्सों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शादी का झांसा देकर युवती का अपहरण कर राजस्थान में बेच दिया, पिता पुत्र पर आरोप है। पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुत्र फरार बताया जा रहा है। मामला भेजा थाना क्षेत्र गांव से पहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर कथित तौर पर अपहरण कर लेने का मामला सामने आया है। यह अपहरण की घटना करीब 2 माह पहले की बताई गई है। गढ़वा जिला के श्री बंशीधर नगर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान फिर से शुरू हो गया है। सब्जी बाजार में किए गए अतिक्रमण को जेसीबी लगाकर साफ किया गया। अभियान को लेकर सब्जी बाजार में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सब्जी बाजार से एनएच जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया था। सब्जी बाजार में अतिक्रमण हटाने के बाद NH-75 के किनारे पूरे शहर में इस तरह की कार्रवाई करने की बात कही गई है। बेगूसराय में DM रोशन कुमार कुशवाहा ने भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय के सरकारी योजनाओं के साथ साथ विस्कुमान भवन, केस के इंटरप्राइजेज, देव खाद भंडार और कृषि केंद्र बनवारीपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान DM ने खाद विक्रेताओं से खाद के स्टॉक, वॉश मशीन की जानकारी ली और दुकानदारों को आवश्यक निर्देश दिए। खगड़िया में एक गाय ने अद्भुत बछड़े को जन्म दिया है, जिसे 2 सिर और 3 आंखें हैं। इस अजीबो गरीब बछड़े को लोग शिव मान रहे हैं। बछड़े को ग्रामीणों ने एक मंदिर परिसर में रखा है और शिव का रूप मानकर पूजा पाठ कर रहे हैं। भक्ति में डूबे लोग चढ़ावा लेकर कीर्तन भजन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि सच्ची श्रद्धा से पूजा करने पर उनकी मनोकामना पूरी होगी।
दरअसल मामला खगड़िया मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर परबत्ता प्रखंड के अरिया गांव की है, जहां हीरालाल यादव की गाय बीते तीसरे सोमवार को अद्भुत बछड़ा के जन्म लेने की खबर इलाके में जंगल में की आग की तरफ फैल गई। लोग बछड़ा को देखने आगे आने लगे और पूजा पाठ होने लगे। श्रद्धालु की माने तो यह शिव का रूप है, पूजा करने से उनकी मनोकामना पूरी होगी। श्रद्धालु लोग भजन के जरिए कीर्तन भजन कर रहे हैं।